हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपके लिए मैं ले आई हूं एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट। दैट इज, आप लोग चाहते थे कि मैम यार हमें ना राइटिंग प्रैक्टिस करवा दो। देखो, राइटिंग हमें नहीं समझ में आती कि लॉ में हमें किस तरीके से एग्जाम में लिख कर आना है, तो क्यों ना आप आरटीपी क्वेश्चंस, एमटीपी क्वेश्चंस का हमें राइटिंग प्रैक्टिस करवा दें। एंड व्हाई नॉट, डेफिनेटली मैं आज आप लोग को बताने वाली हूं कि किस तरीके से मैं आपको आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस करवाने वाली हूं। सो देयर वी गो विद द टाइम टेबल। ऑलराइट, तो आज जाइए, मैं आप लोगों के साथ अभी टाइम टेबल शेयर करती हूं आरटीपी एमटीपी बैच के स्केड्यूल का। तो आप ये देख सकते हैं, स्क्रीन के सामने आपके एक टाइम टेबल आपको दिख रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। टुमारो क्या है, 27th of April। तो तब से ये अपने रिविजन स्टार्ट हो रहे हैं। मैडम किस तरीके का टाइम टेबल है आप बताइए। तो देखो, मैंने ये सोचा कि अगर मैं आपको बोलूं कि चलो आ जाओ आरटीपी क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं, कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, चलो ये आरटीपी क्वेश्चन है, लिखना स्टार्ट कर दो, तो आई एम श्योर आप नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे? क्योंकि आपने अगर उस पर्टिकुलर एक्ट को रिवाइज ही नहीं किया है तो आप उसके आंसर्स को अच्छे से लिख भी नहीं पाओगे। आपके दिमाग में वर्ड्स आपको याद ही नहीं आएंगे कि आपको कैसे लिखना है। इसके लिए मैंने इस रिविजन, मतलब इस आरटीपी एमटीपी बैच की प्लानिंग कुछ इस तरह कैसे की है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले 27th को हम बुलेट रिविजन कर रहे हैं कंपनीज एक्ट का, मतलब पार्ट वन। मैंने कंपनीज एक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट वन एंड पार्ट टू। आप ये देख सकते हैं, दिस इज पार्ट वन, दिस इज पार्ट वन एंड दिस इज पार्ट टू। तो पहले मैं क्या करूंगी बेटा जी, कंपनीज एक्ट के पार्ट वन का हम धुआंधार बुलेट रिवीजन करने वाले हैं। क्या बुलेट रिवीजन? सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ कंपनीज एक्ट इन पार्ट वन। जब आपका ये रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, अगले दिन दैट इज 29th, मतलब एक दिन छोड़कर, एक दिन मैं आपको भी टाइम दूंगी सेल्फ रिविजन करने के लिए। 29th और 30th को पार्ट वन में से जितने भी आरटीपी क्वेश्चन हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं 1st of May को हम पार्ट टू ऑफ कंपनीज एक्ट का बुलेट रिवीजन करेंगे, और उसके बाद पार्ट टू के आरटीपी क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ऑन 2nd and 3rd। तो इससे हमारे पूरे कंपनीज एक्ट का क्या हो जाएगा, आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस की तैयारी भी हो जाएगी और रिविजन भी हो जाएगा, दो काम एक साथ हो जाएंगे। मतलब आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपकी आरटीपी एमटीपी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइट? तो आपका कंपनीज एक्ट खत्म होगा। उसके बाद सेम चीज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप एक्ट के बाद। ये तो टाइम टेबल मैंने आपको 3rd तक का ही दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट का क्या करेंगे बेटा, वही दो पार्ट में डिवाइड करके जैसे हम कंपनीज एक्ट कर रहे हैं, हम क्या करेंगे पार्टनरशिप एक्ट के आरटीपी और एमटीपी क्वेश्चंस को करेंगे। एंड देन वी विल गो विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हम यूनिट 1 यूनिट 2 फिर यूनिट 3 के आरटीपी क्वेश्चंस को करेंगे। पहले रिवाइज फिर प्रैक्टिस, रिवाइज फिर प्रैक्टिस। तो इससे क्या होगा, दो चीजें हो जाएगी, आपके बुलेट रिविजन, मतलब रिविजन भी हो जाएंगे। बुलेट रिविजन मैं कह सकती हूँ मेरे सुपर फास्ट रिविजन होते हैं। मैं सीए इंटर में बहुत बुलेट रिविजन लेती हूँ जिससे बहुत फायदा होता है। तो इसीलिए पहले मैंने आप लोगों के लिए एक बुलेट रिविजन लाया है, रिविजन फिर प्रैक्टिस, रिविजन फिर प्रैक्टिस। तो मेरा आरटीपी एमटीपी बैच का स्केड्यूल कुछ इस तरह से होने वाला है। तो इसी तरह से ये कंपनीज एक्ट का दिख रहा है। इसके बाद हम पार्टनरशिप एक्ट करेंगे, उसके बाद हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे, और उसके बाद हमारे रिमेनिंग जो भी हमारे यूनिट्स बाकी है पढ़ना, वो हम पढ़ के फिर से उस पर आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए, ताकि आप आपको अपडेटेड रहे, आपको पता रहे कि क्या प्लान है आरटीपी एमटीपी बैच का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके स्केड्यूल का अपने पास रख लीजिए। और डेफिनेटली इस अप्रोच के बाद, डेफिनेटली इस अप्रोच से अब की बार लॉ में एग्जम्पशन पार लाना ही लाना है बेटा। ऑफ कोर्स रिवीजन प्रैक्टिस हम सब कर रहे हैं, तो एग्जम्पशन तो डेफिनेटली हमारी पॉकेट में होना ही होना है। द बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी, सी यू टुमारो फॉर द बुलेट रिवीजन ऑफ कंपनीज एक्ट पार्ट वन। आप देख सकते हो कल से, कल कंपनीज एक्ट का बुलेट रिवीजन होने वाला है, सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है, और उसके बाद उसके आरटीपी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सी यू एवरीबॉडी। और अच्छा, अगर किसी को टाइमिंग को लेकर डाउट है तो बेटा एवरी डे मेरी क्लास होती है 4 PM, तो सी यू एट 4 PM फॉर द बुलेट रिविजन। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द क्लासेस।